हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन फॉर ए स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज के इस एजुकेशन न्यूज़ में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार SI की जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है उसकी ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में, RRB NTPC की जो एग्ज़ाम यहाँ पर कितने डिले होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बात करेंगे यहाँ पर बिहार STT रिजल्ट डेट, यहाँ पर 10th की रिजल्ट आपकी कब तक आएगी, और कॉन्स्टेबल पुलिस की जो रिजल्ट है वो कब तक आएगी। इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल 100% जेन्युइन न्यूज़ देने वाला हूँ। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, आज से मैं आपके यहाँ पर एजुकेशन न्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हर रोज़ मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ दूंगा जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, छोटी हो, बड़ी हो, सभी की न्यूज़ मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बिहार SI एग्ज़ाम की पोस्टपोन्ड के बारे में, ठीक है। तो इसके ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन पर चलते हैं सबसे पहले। सो गाइस, ये देख सकते हो, ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। बिहार SI की जो यहाँ पर मेंस एग्जाम थी वो यहाँ पर कर दी गई है पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना वायरस। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। उसके वजह से यहाँ पर जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था 26 अप्रैल को, वो यहाँ पर हो चुकी है पोस्टपोन, ठीक है। और कब तक पोस्टपोन हुई है, जब तक यहाँ पर अगली इसकी नोटिफिकेशन ना जारी कर दिया गया तब तक कोई यहाँ पर डेट अभी कन्फर्म नहीं किया गया, क्योंकि जो आपकी जो लॉकडाउन है हो सकता है मे बी इंक्रीज़ किया जाए, उसकी डेट एक्सटेंड किया जाए, तो हो सकता है कि 30 अप्रैल भी क्रॉस कर जाए। इसीलिए अभी तक कोई यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार SI की तरफ से नहीं आई है, ठीक है। तो ये है पहली न्यूज। अब दूसरी न्यूज के बारे में बात करें, RRB NTPC एग्जाम डेट। सो गाइस, अगर दूसरी बड़ी न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है RRB NTPC की तरफ से, यानी कि रेलवे की एग्ज़ाम की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो RRB NTPC एंड ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी पिछले साल, उसकी एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराई गई है, और यहाँ पर जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम डिले हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं रेलवे अधिकारी ने क्या कहा है इसके बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर जो वेंडर सिलेक्शन की जो यहाँ पर प्रोसेस चल रही थी, वो बोला गया था कि आपका जो यहाँ पर प्री बिड है वो ओपन होगा यहाँ पर 7 अप्रैल को, ठीक है। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, मैंने आपको नोटिफिकेशन अभी दिखा दूंगा, मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये अब यहाँ पर डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ये भरने वाली है, ठीक है, यहाँ पर पोस्टपोन्ड होने वाली है। तो पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लो जिसमें जो डेट दिया गया था। सो गाइस, ये देख सकते हो, ये है नोटिफिकेशन जिसमें कि दिया गया था प्री बिड की डेट, यहाँ पर क्या दिया गया था आप देख सकते हो, यहाँ पर 7 अप्रैल दिया गया था। लेकिन जो आपका यहाँ पर पूरे इंडिया में आप देख सकते हो 15 अप्रैल तक लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से ये डेट भी अब यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। अगर बात करें वहीं रिस्पॉन्स की, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डेट थी 21 अप्रैल, ठीक है। तो ये सारे डेट यहाँ पर चेंज किए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाएगा कब तक आपका लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद ही यहाँ पर इसकी कोई नोटिफिकेशन अब जारी की जाएगी, ठीक है। तो अगर बात करें कितना टाइम लग सकता है इन सारे प्रोसेस में, तो रेलवे अधिकारी ने यहाँ पर एक इंटरव्यू में बोला है कि, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोला है उन लोगों ने। सो रेलवे अधिकारी द्वारा बोला गया कि लॉकडाउन की वजह से 7 अप्रैल वाला जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर हो जाएगा पोस्टपोन, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिख दिया गया है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। वहीं बात करें कि जब यहाँ पर NC की सिलेक्शन होगी उसके कितने दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप देख सकते हो NC की सिलेक्शन होने के बाद 6 से 7 वीक आपको लगेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम कराने में NC को, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो अब अगस्त में होने वाली है। अब अगस्त से पहले आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि अभी अप्रैल में, मुझे लगता है कि यहाँ पर अप्रैल में तो कोई भी यहाँ पर आपका काम नहीं होने वाला जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। मई से मे भी हो सकता है आपका यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो, और मई से अगर प्रोसेस शुरू होता है तो मे भी आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेलवे की तरफ से न्यू अपडेट। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बिहार STET के बारे में गाइस। सो गाइस, अगर बिहार STET की रिजल्ट डेट के बारे में बात करें, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था 31st से पहले आ जाएगा रिजल्ट का, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 31st से पहले आएगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया उसमें बताया था कि अप्रैल में आएगा, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, कमेंट भी बहुत सारे किए कि कुछ पता नहीं है अप्रैल में कैसे आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट है वो अप्रैल में ही आएगी, क्या लॉकडाउन में आपकी रिजल्ट आएगी इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, अगर बात की लॉकडाउन में आपकी रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी, तो आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 12th की रिजल्ट आ चुकी है, वो भी लॉकडाउन में ही आई थी बिहार बोर्ड से। ये काफ़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पर 12th की रिजल्ट रिलीज कर दी गई थी लॉकडाउन में, ठीक है। और आपकी जो 10th की रिजल्ट है उसकी भी यहाँ पर डेट रिलीज कर दी गई है, तो उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर बात करें कि यहाँ पर बिहार STT का रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप देख सकते हो 1 अप्रैल या 2nd वीक में, अप्रैल के 1st यहाँ पर वीक में, और 2nd वीक के 1st से लेकर 2nd वीक में आपका यहाँ पर रिजल्ट रिलीज
कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपके यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि रिजल्ट यहाँ पर रिलीज किया जाए, ठीक है। लॉकडाउन में ही आपके यहाँ पर रिजल्ट रिलीज किया जाएगा, ठीक है। अब ट्वेल्थ की बात कर ले, यहाँ पर जो ट्वेल्थ की रिजल्ट आई थी तो वो भी आई थी यहाँ पर लॉकडाउन में, ठीक है। तो अगर टेंथ की बात करें कि टेंथ की रिजल्ट कब तक आएगी, तो ये बिहार एसटीटी की तरफ से एक नया अपडेट है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट डेट के बारे में कि टेंथ की रिजल्ट आपकी कब तक आएगी। सो गाइस, अगर बात करें टेंथ की रिजल्ट कब तक आएगी, तो देख सकते हो बिहार बोर्ड दसवीं रिजल्ट घोषित होगा इस दिन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया था, तो आपकी जो रिजल्ट है वो देखो यहाँ पर 10th अप्रैल से लेके 15th अप्रैल के बीच आपके यहाँ पर रिजल्ट रिलीज कर दी जाएगी, अगर 10th की बात करें तो। जैसे कि आपका 12th का भी रिजल्ट यहाँ पर रिलीज हो चुका है, तो 10th की भी रिजल्ट आपकी 10th से लेके 15th अप्रैल तक रिलीज हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 1 से 2 दिन में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला। आपकी जो रिजल्ट है वो 10th अप्रैल से लेके 15th अप्रैल के बीच में ही रिलीज की जाएगी। जैसी ही रिलीज होगी सबसे पहले मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बिहार कांस्टेबल का कब तक रिजल्ट आएगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको ये न्यूज़ दिखाया था कि आपकी जो रिजल्ट है वो मई में आ जाएगी, कॉपी की वहाँ पर जांच हो रही है, और 2 से 2.5 महीने में आपकी यहाँ पर रिजल्ट आ जाती है। हमेशा 2 से 2.5 महीना यहाँ पर लगने वाला है, तो मई में आपकी रिजल्ट आएगी। मैंने बताया था कि लास्ट वीक ऑफ मई आपकी यहाँ पर रिजल्ट रिलीज की जाएगी। सो ये थी पूरी न्यूज़। आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट वीक ऑफ मई आपके रिजल्ट आएगी, पर ऐसा अब नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी भारत में यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिले होने वाली है, ठीक है। जितने दिन आपका लॉकडाउन रहेगा उतना दिन आपका यहाँ पर रिजल्ट डिले होगा, तो मई लास्ट में आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। जून में मे भी आपका यहाँ पर रिजल्ट रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। अगर लॉकडाउन यहाँ पर 15th अप्रैल को हट जाता है, तो उसके बाद आपका अगर यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो जून में रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो मई में इसके कोई चांसेस नहीं है, रिजल्ट को रिलीज़ करने की कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं है कि आपकी जो रिजल्ट है वो मई में आएगी, ठीक है। तो ये है गाइस आज की कुछ अच्छी अपडेट। सो गाइस, अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर से किया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना गाइस। तो ये है आज की अपडेट। मैं एजुकेशन न्यूज़ अब हर रोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे एजुकेशन न्यूज़ बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरह से अगर बनाना चाहिए तो मैं हर दिन आपके लिए यहाँ पर कुछ अच्छे और लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँगा एजुकेशन न्यूज़ के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है अच्छा लगे, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगे। तो जो भी हो आपका रिस्पॉन्स जरूर से कमेंट में मुझे कमेंट करके बता देना गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।